नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। आइए रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। मोटा महादेव उत्तराखंड बॉर्डर, जगत न्यूज 24, वीरेंद्र कुमार सिंह हेड चीफ। महाशिवरात्रि पर शिव भक्त को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल लेकर आते हैं लोग, और मोटा महादेव पर शिव भक्त अपनी कांवड़ लेकर पहुंचते हैं। पूर्व मान्यता बताते हैं कि 2 बूंद गंगा जल शिव पिंड पर डालने के बाद मान्यता पूरी हो जाती है। बराबर में भैरव जी का मंदिर है, उनका आशीर्वाद लेकर जब शिव भक्त निकलते हैं तो उनके पैरों में दर्द और शरीर में थकान महसूस होती है। भैरव जी के आशीर्वाद से सारी थकान दूर हो जाती है। शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ के रूप में चलते हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या में कांवड़िया आते हैं। पहला पड़ाव 40 से 45 किलोमीटर मोटा महादेव का पड़ता है। बड़ी मान्यता है कि शिवलिंग पिंड का मिला था, इसलिए मोटा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों का यह भी कहना है कि जब कांवड़ लेकर चलते हैं तो 1 cc मोटा महादेव जी के नाम से लेकर आते हैं और जल चढ़ाते हैं। बराबर में भैरव जी का मंदिर है, उनको भी बड़ी मान्यता है। हरिद्वार से कांवड़िया चलकर पहले पड़ाव तक पहुँचते हैं तो उनके पैरों में दर्द होने लगता है। भैरव जी के आशीर्वाद से वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, यह मान्यता है। जी, आप मैं पुजारी शशिनाथ, मोटा महादेव मंदिर जी। देखिए, यहाँ की मान्यता जो है वो ये है कि जो शंभू हैं जी, ये जो शिवलिंग है ये धरती से स्वयं प्रकट है, और जो स्वयं प्रकट है तो उनको शंभू कहा जाता है। शिवलिंग मोटा है इसलिए उनको मोटा महादेव जी कहा जाता है। हमारे ज़िले में मोटा महादेव जी कहते हैं, उत्तराखंड में निकलिए मोटेश्वर महादेव कहेंगे, कहीं मोतिया महादेव कहेंगे, कहीं साकेत महादेव कहेंगे, और कई नाम मिल लेते हैं। और ये लगा लीजिए कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं महाशिवरात्रि सावन पर्व पर। यहाँ पर 1 cc हरिद्वार से मिलती है जो कि मोटा महादेव जी को चढ़ानी है। भीड़ काफ़ी होती है, ऐसा भी होता है कि जो लोग नहीं भी चढ़ा पाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सामने आए, उन्होंने ये बताया कि नहीं, हमारी कांवड़ का तो जल्दी सूख गया 1 cc का, अब अगर वो नहीं चढ़ाएंगे तो वो 1 cc सूख जाती है। अब इसी तरह से आप ले लीजिए भैरव बाबा जी के मंदिर के लिए, यहाँ से चंद बस बराबर में ही भैरव जी का मंदिर है, बराबर में भैरव जी का मंदिर है। यहाँ शक्तिपीठ कहलाता है। शक्तिपीठ यानी कि जो कांवड़ लेकर के आ रहे हैं उनके पाँव दुखना, हाथ पैर में दर्द होना, ये स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि नजीबाबाद से 50 किलोमीटर दूर हरिद्वार है और मोटा महादेव से 45 किलोमीटर हरिद्वार है। और पहला पड़ाव जो मोटा महादेव मंदिर का पहला पड़ाव कांवड़ जगह माना जाता है, तो ये लगा लीजिए शक्तिपीठ जी की, जैसे यहाँ पे आते हैं जल चढ़ाएंगे भैरव मोटे महादेव जी को, वहाँ से निकलेंगे भैरव जी के लिए। इसमें उत्तराखंड के जो भक्त आते हैं वो लोग भी आते हैं या नहीं आते? हाँ, उत्तराखंड के आते। देखिए, आप इधर से चलिए, आपका नानक पता है, सितारगंज है, किच्चा है, मतलब बहुत सारा क्षेत्र इसमें पड़ता है जो उत्तराखंड बॉर्डर का। जी जी, सबसे ज़्यादा मान्यता यहाँ के मंदिर की है। जी जी, हरिद्वार से पहला पड़ाव मोटा महादेव पड़ता है। अच्छा, चलिए